मैं देता हूँ गाइस, पानी का बिल देता हूँ, हाउस टैक्स भी देता हूँ, तो क्योंकि मैं झेल चुका हूँ ना। क्या हुआ? एग्जाम से पूरे बड़े हो, पापा घर वाले पूछेंगे नहीं क्या कि तुम। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अपने साथ है छोटू और अभी हम लोग जा रहे हैं शिवांगी से मिलने, क्योंकि यार शिवांगी का मूड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हद से ज्यादा वाला, क्योंकि उसका था पेपर और उसका पेपर यार खराब हो गया, थोड़े से नंबर से रह गया, उसका हो नहीं पाया है। इस वजह से उसकी फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी आज, यार वो न रूम से निकल रही है, न कुछ कर रही है, न खाना बना रही है, न कुछ, पड़ी हुई है। तो मैंने उसको काफ़ी देर तक समझाया, हम बोले आज शाम को मिलो, तुम मिलो, उसके बाद देखते तुमको समझाते क्या बात है, क्या दिक्कत है, बताओ। तो मिलने को तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी कैसो मैसो करके आ रही है, तो चलते आप लोगों को भी मिलवाते, हम भी मिलते, बहुत टाइम क्योंकि हो गया उससे मिले, वीडियो में भी नहीं है ये बहुत टाइम से, चलते देखते क्या हाल है उसका। सो गाइज, यार फाइनली हम लोग अंदर आ गए हैं और वो देखो वहाँ पे बैठी हुई है शिवांगी, हमारी बेचारी बच्ची, ईयरफोन लगा करके। छोटू हाँ। जाओ तुरंत गले लगा लो, मान जाएगी। गलत बात है, बेचारी एंग्री बर्ड बनी बैठी हुई है, पता नहीं क्या बाद में मतलब सारा एंग्री पर मेरे को उतार दे तो अच्छी बात नहीं उतारेगी। क्या हाल है? क्या हाल है? बढ़िया है। और बताओ काहे काहे लिए नहीं आ रही थी, बैठो। बस ऐसे ही मूड ठीक नहीं है मेरा। क्या हो गया? बच्ची का गाइस मूड नहीं सही है। लो गाइस, लुक से हाय हेलो कर लो कम से कम। हाय, मुझे तो भूल गए होंगे। नहीं कोई नहीं भूला है, याद है, सबको याद है। तुमको क्या हुआ ये बताओ, क्या हुआ तुमको? अरे यार एग्जाम ठीक ठाक मुझे लग रहा है कि नहीं गया मेरा, निकल नहीं पाएगा, मैं इतना टाइम से मेहनत कर रही थी यार। तो एग्जाम को लेकर के तुम चार दिन से कमरा बंद करके बैठी हुई हो? यार कोई ऐसा ऐसा एग्जाम थोड़ी है, हमें एग्जाम के लिए हम लोग आज तक कभी टेंशन ही नहीं लिया, हम लोग बोला होए चाहे ना होए, बाढ़ में आजमगढ़ से मैं यहाँ आई हूँ घर छोड़ के, पापा रेंट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम कह रहे हो कि एग्जाम से पूरे बड़े हो, पापा घर वाले पूछेंगे नहीं क्या कि तुम कर क्या रही हो वहाँ पे बैठ के? पूछने तो क्या करी अब, बात तो सही है गाइस, बात तो सही है बच्ची की, लेकिन क्या कर सकते हैं, खुद रूम लेके रहते ना, पैसे वैसे देते ना, बिजली बिल, बिजली का बिल मैं देता हूँ, पानी का बिल देता हूँ, हाउस टैक्स भी देता हूँ, तुम हाउस टैक्स नहीं देती हो, मैं हाउस टैक्स भी देता हूँ, उससे ज्यादा मैं रेंट देती हूँ। ठीक है वो बात की बात, तब बिल मैं ज्यादा देता हूँ। हाँ तो तुम उसमें फोड़ती हो, मैं एडिटिंग करके फोड़ता हूँ, मैं भी फोड़ता हूँ, आप बताओ क्या अंतर है, बताओ। अच्छा मेरे एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है? नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम चार दिन तक, भाई साहब गाइस अच्छा है मेरी बात इसकी फ्रेंड से हो गई, नंबर था मेरे पास, वो बताई मुझे, नहीं तो ये महारानी ना फोन जल्दी से उठाती थी तो हाँ अभी थोड़ा सा काम कर रहे हैं, फोन कट। क्या है ये सब तरीका है, है? क्या करें यार मूड सही नहीं है। कितना क्या 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 कितने नंबर से अभी, तो ये बताओ अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है। रिजल्ट नहीं आया बट ना जैसे कट ऑफ वगैरह जाता है 90-90, तो मेरा तो 80-80 तक ठीक लग रहा है कि मतलब निकल जाएगा, लेकिन फिर और टेंशन हो रही, नहीं निकला तो क्या होगा बताओ। गाइस ऐसे ऐसे भी महान लोग हैं, देख लीजिए, इसीलिए बोला जाता है लड़कियों के जो है काम नहीं करता भले कितना पढ़ लें, ठीक है, काहे कि हमें 80 चिड़ मत दिला मुझे। अरे मान लो 80 अगर सही है तुम्हारा तो जरूरी है कट ऑफ 90 ही जाए, हो सकता है इस बार कम चला जाए। यार जाता है ना, जाता है, ऐसा नहीं नहीं जाता है, बहुत मुश्किल है यार, लड़कियों को टाइम नहीं मिलता, लड़के लड़के होते हैं, ठीक है, लड़कियों को लिमिटेड टाइम मिलता है घर वालों से, वो भी हिसाब पूरा दो। हाँ भाई साहब, वो पेपर छोड़ करके बैठा था, एडमिट कार्ड भूल गया, वहाँ जा करके लेटा है, सो रहा है, मस्त मौला इंसान है, एक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यार। तुम्हारे में कौन सा मौला घुसा हुआ है? क्या क्या घुसा है? मौला। अच्छा वो मस्त मौला है, इसके अंदर कोई मौला नहीं है। छोटू तुम यार बहुत विडम्ब आदमी हो, तुम्हारा कोई बना नहीं मेरे अंदर है। कोई बात नहीं, चलो अच्छा चला जाए कहीं घूमने टहलने, कुछ खाने पीने चलोगे? अच्छा मुझे मारने के लिए क्या लेगी यार, तुम बुलाए थे बस मैं आ गई, मतलब ऐसे ही मिलने, थोड़ा सा शांति वांति। चलो कम से कम इतना प्यार तो है मुझसे, लोग मुझसे प्यार बहुत करते हैं ना भैया, तुम ऐसे नहीं मानोगी है, मान जाओ यार, कोई चीज कोई दिक्कत थोड़ी है यार, पेपर ही तो है। अरे भाई मैं कुछ कह रही हूँ। चलो तुमको पिज्जा खिलाते हैं। अरे ठीक है, डोसा आई एम ओके, डोसा बिरयानी कबाब पराठा सीख कबाब, मेन्यू बना लाओ। अच्छा और कुछ, मैगी पराठा, नान पराठा, कालाकंद पराठा, निकोरा पराठा, चरखा पराठा, क्या खाओगी इसमें से? थप्पड़
थप्पा पड़ा का खाओगी? अब आ गई ना चेहरे पे स्माइल मेरे। चेहरे पे स्माइल से नहीं मतलब दिल में स्माइल होना चाहिए। आ जाएगी 3-4 दिन में, वो भी आ जाएगी 3-4 दिन। जैसे शायद निकली हुई है भाई साहब। छोटू एक काम करो, तुम मनाओ इसको। जब तुमसे नहीं मानी मेरे से मनेगी हो? अरे तुम हैंडसम डैशिंग एकदम स्मार्ट लड़का है वो, नहीं है क्या? है ना मेरे से बोल रहा मेरे। अरे तो तुम क्या लड़के नहीं हो? मेरे पीछे तो घूमती है, ठीक है तुम शक है क्या इसमें भी तुमको? चलो जाओ मनाओ। अच्छा मनाओ मनाओ, देख मान जाए हो सकता है तुमसे। ओले ले ले, कैसे मानेगी? ओले ले ले, मानेगी वो ले आओ टॉफी चूरन। मान जाओ बेबी। गाल ऐसे खींचा जाता है छोटू? अच्छा अभी मार मूर देगी तुमको, कोई मतलब नहीं, नहीं, नहीं निकलेगा। अच्छी बच्ची है, अच्छी बच्ची, अच्छी लड़की। मनाओ फिर मनाओ, क्या हुआ? मान जाओ, डर देखो इतना इतना भी नाराजगी क्या है, पेपर क्लीन हो गई। अच्छा ठीक, बिगड़ जाएगा मेरा, बिगड़ना नहीं। छोटू मार ना खा जाए, मुझको ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं झेल चुका हूँ। क्या हुआ? देखो क्या हुआ? कुछ नहीं यार, हम हंसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मान नहीं रही है। देख यार तो हुआ क्या? रिप्ले करो रिप्ले। हुआ ये है, देखो मैंने नॉर्मल सा हल्का सा गुड गुड टाइम किया ना थोड़ा हंसाने के लिए, क्योंकि बेचारी एकदम सैड हो चुकी है यार। अब इतना इरिटेट में आप कुछ भी करोगे, मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हो जाऊँ। यही यही रीजन है जो छोटू तुम सिंगल हो भाई। हाँ तुम कोई और कौन है? मैं क्या क्या गाल खींच रहा, बाल खींच रहा, पिंच कर रहा, मैं बोल रही मैं ठीक हो जाऊंगी। मतलब क्या है यार, मना रहा और इरिटेट कर रहा है। मना रहे हैं यार, मना रहा था, मना देख लो रहा यार, मानने मतलब मनाने के लिए भी यार गलत। अच्छा गलत गलत ठहराया जा रहा मुझे। अरे ठीक है ओके, क्या मतलब थोड़ा सा गुस्सा 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 इरिटेशन हो रही, पता नहीं क्यों मुझे रह रहे। हाँ अच्छा तुम मेरे पास आओ, बताए गुस्सा नहीं है? अबे तुम रसीद दिए गए? हाँ यार मेरे को लग गई यार, बता बेचारू रसीद। यार मार दे, देखो देखो कितनी अच्छी लड़की है यार, थोड़ा माइंड फ्रस्ट्रेशन है ना। फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा है कि तुम्हारा फोन जाएगा, फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन में फोन जाएगा तेरा, 80,000 के फोन जाएंगे, नहीं 20,000 के फोन जाएंगे। तो ये देखो गाइस यहाँ पे वो शुरू होने वाला है, आवाज भी बहुत आएगी। ए चलो तुमको कहीं, चलो कहाँ लिवा चले, कहाँ मूड सही होगा तुम्हारा? शांति वाली जगह, शांति वाले। चलो गाइस शांति को ढूंढते हुए चल रहे हैं हम लोग, कहीं पे मिल जाए शांति तो इसको वहाँ पे उससे मिलवाते हैं और चलते हैं। छोटू तो रसीद दिए गए, क्या मतलब है, कोई बात नहीं चलो फटाफट। तो गाइस फाइनली इसको शांति दिलाने के लिए मैं ले आया हूँ बनाना शेक पिलाने, शांति मिलने वाला ताकि ठंडा मिले। वाह दिमाग को ठंड। फिर बैठे हो, फिर तुम छुए, फिर छुए तुम, मार 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 मार। मुँह पे चलो, मूड नहीं है यार, कोई कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो गाइस यार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसका मूड ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, मुझे पता है मैं ठीक कर दूंगा। मूड कैसा है? हाँ सही हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, चलो सही हो जाएगा। बाकी मैं हूँ तो फिर किसी का मूड, किसी लड़की का मूड तो खास तौर से नहीं खराब हो सकता, सही हो जाएगा। और बाकी यार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो देख के मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना हो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी ये इतने दिन बाद आई है तो इसका वेलकम कर दो, हर दो कमेंट से वेलकम 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 में आजमगढ़। हाँ। मैं हूँ, याद रखना इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है, सब कुछ याद रखना। बाकी मिलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग।